हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो गाड़ी चलाते वक्त, टू व्हीलर चलाते वक्त, राइड करते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स पब्लिक करती है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख के टू व्हीलर चलाना चाहिए, और जो मोस्टली नए ड्राइवर होते वो क्या क्या चीज़ भूल जाते हैं ये गाड़ी चलाते वक्त, क्या क्या चीज़ मतलब क्या चालू रखना चाहिए, क्या बंद रखना चाहिए गाड़ी स्टार्ट रखते वक्त, और गाड़ी अगर बंद किया तो मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस कम रखने के लिए और गाड़ी का लाइफ लॉन्ग रखने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा देखिए इस वीडियो को और एंजॉय करिए। फर्स्ट पॉइंट बोले तो इसका साइड स्टैंड है, जो मोस्टली नए चलाने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं। इवन पुराने जो चलाने वाले होते हैं वो भी घाय घाय में कभी भूल जाते हैं। साइड स्टैंड कभी भी लगा हुआ है और चलाया तो वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है, कहीं भी खड्डा आया या कुछ आया और साइड स्टैंड अटका, तो इसके कारण आप पूरा गाड़ी को गिरा सकते हैं या फिर आप गाड़ी के साथ खुद भी गिर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पहला पॉइंट, कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपने साइड स्टैंड निकाल दिया है, साइड स्टैंड बंद किया है, फिर ही गाड़ी चलाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने चाहिए राइड करते वक्त, वो है सिग्नल। आप जो टाइम पे जहाँ टर्न ले रहे वही टाइप का सिग्नल दीजिए। जैसे आप राइट टर्न ले रहे तो राइट सिग्नल दीजिए, लेफ्ट टर्न ले रहे तो लेफ्ट सिग्नल दीजिए, और जैसे टर्न हो जाता है उसके बाद आप सिग्नल बंद कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, राइडर टर्न लेने के टाइम सिग्नल दे तो देते हैं मगर टर्न लेने के बाद सिग्नल बंद करना भूल जाते हैं, तो इससे एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आगे और पीछे से जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा रहता है उसको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली आप टर्न लेने वाले हो या टर्न ले चुके हो या आप कौन से साइड जाने वाले हो, अगर रॉन्ग साइड का सिग्नल रहेगा तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप गाड़ी जब टर्न लेते हो तब भी सिग्नल दीजिए, और आपका गाड़ी टर्न लेने के बाद आप सिग्नल बंद कर दीजिए। ये सबसे चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग को जब भी आप अपनी गाड़ी निकालते हो तो मोस्टली किक अगर गाड़ी में दिया है तो आप प्लीज़ उसे किक से ही चालू कीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी लाइफ जो है वो अच्छी रहती है और इंजन की लाइफ भी जो है वो अच्छी रहती है। तो ये किक से चालू करने के बाद एटलीस्ट आप एक मिनट या आप दो मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट रख के छोड़ दीजिए, ताकि वो जो इंजन जो हीट होना रहता है वो एक हीट हो जाता है, जिसके बाद आप गाड़ी को जब भी सेल्फ मारना चाहे मार सकते। एक और पॉइंट है, अगर आपको कोई ऐसा उबर खाबड़ रास्ता मिलता है तो प्लीज़ उसमें मत भगाइए। इससे क्या होता है कि आपका व्हील आउट हो सकता है या फिर आपका गाड़ी का सस्पेंशन है वो डैमेज हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए गाड़ी को अच्छा रखने के लिए। एक पॉइंट, अगर आप गाड़ी सिंगल स्टैंड पे खड़े रखे तो उस गाड़ी पे जाके आप ना बैठिए, अवॉइड कीजिए उसमें बैठना, क्योंकि अगर गाड़ी सिंगल स्टैंड पे है तो ऑलरेडी वो सिंगल स्टैंड पे पूरा गाड़ी का लोड पड़ा हुआ रहता है, ऊपर से आप जाके बैठेंगे तो डबल लोड होता है, और मोस्टली वो सिंगल स्टैंड हेवी लोड बेयर करने के इसमें नहीं रहता, जिससे ये हो सकता है कि वो गाड़ी का स्टैंड बैंड हो सकता है या फिर गाड़ी का स्टैंड टूट भी सकता है, तो अवॉइड कीजिए सिंगल स्टैंड पे बैठना। स्कूटी का जो सस्पेंशन होता है वो सिंगल सस्पेंशन होता है, तो अगर आप इसमें ट्रिपल सीट का सोचते हैं तो प्लीज़ ट्रिपल सीट अवॉइड कीजिए। अगर ट्रिपल सीट लेते हैं तो इसमें इम्पैक्ट क्या गिरेगा कि उसका सस्पेंशन जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण आपको सस्पेंशन जल्दी बदलना पड़ सकता है। रीज़न ये है कि इसका सिंगल सस्पेंशन है तो ये हेवी वेट उठाने की कैपेसिटी नहीं करता, ये रीज़न है कि आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रिपल सीट स्कूटी में। उसलिए हम सुनते हैं कि बाइक और स्कूटी का जो एवरेज होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि बाइक जो है वो गियर होता है, गियर वाली चीज़ होती है, और स्कूटी जो है वो गियरलेस होती है। बाइक में जो है वो चेन होता है एंड स्कूटी में जो है वो चेन नहीं होता, बेल्ट होता है। तो ये रीज़न थे कि आपको उस बाइक एंड स्कूटी में जो है वो डिफरेंसेस दिखेंगे, माइलेज के डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, मगर स्कूटी को भी आप वेल माइलेज में चला सकते हो अगर आप उसको इकोनॉमिक स्पीड में चलाते हो। तो इकोनॉमिक स्पीड मतलब 60, 40 या 50 के स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अच्छा खासा सा पेट्रोल बचा सकते हो, आपको अच्छा खासा एवरेज मिल सकता है इस गाड़ी में। तो ऐसा रीज़न ये नहीं है कि आपको स्कूटी चलाना तो हेवी लो मिलेगा आपको। अगर आप मेंटेन एवरेज स्पीड में चलाते हो गाड़ी, जैसे 30, 40, 50 में, तो उसमें भी आपको अच्छा एवरेज मिल सकता है।
एंड फाइनल एंड मेन थिंग ये है कि अगर आप अपने पास गाड़ी रखते हो तो वो अप टू डेट मेंटेन करके रखिए, उसका टाइम टू टाइम सर्विस कीजिए, गाड़ी को टाइम टू टाइम वॉश कराइए, उसका टायर प्रेशर चेक कीजिए, बैटरी का लाइफ चेक कीजिए, गाड़ी को जितना हो सके उतना अपडेट रखिए कि साफ रखिए, जिससे क्या होएगा कि आपकी गाड़ी अच्छी भी रहेगी, लॉन्ग लाइफ चलेगी भी और आपको बीच बीच में प्रॉब्लम भी नहीं देगी। जितना हो सके उतना अप टू डेट आप मेंटेन रखिए, सर्विस कराते रहिए टाइम टू टाइम गाड़ी का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वेल गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपको लगता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब माय वीडियो। सबको बताइए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्कूटी या बाइक चलाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।